हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, मैं बात करने वाले टाइटन कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी का शेयर कहाँ पे को बाय करना, कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेजिस्टेंस लेवल लेना है, लाइक ये और सारी चीज़ों के बात करेंगे अच्छी वीडियो में। सो गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम टाइटन कंपनी अगर आज करते हैं परफॉर्मेंस देखिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग मार्जिन कितने पे हुआ, 2519.05 पे इसका क्लोजिंग हुआ है। एंड आज के दिन ये 2.05% ये अप था। देखा है पर शेयर के पीछे कितना 15.55 रुपीज का इसने रिटर्न दिया है। सो अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आया था। इवन अगर वॉल्यूम्स भी देखा तो काफी ज्यादा इसमें अच्छे खासे थे। इवन देखा तो एज कंपेयर करें यहाँ पे ऑप्शंस में जो कॉल एंड पुट राइटर थे, सो यहाँ पे जो थे कॉल राइटर ज्यादा थे एज कंपेयर लाइक पुट राइटर। सो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन में कॉल में बाय किया रहेगा लॉट में, उसको डेफिनेटली एक अच्छा खासा उसको रिटर्न मिला ही रहेगा, बिकॉज बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक भागा था। आज के दिन गैप अप भी हुआ था इसमें। देखा जाए टाइटन कंपनी का मेन अगर हमें पे देखें तो जो स्टॉक है काफी दिनों से बहुत ज्यादा डाउनवर्ड चला था, बट जैसे ही इसने यहाँ के ये कैंडल का जैसे इसने लेवल तोड़ा है, लगातार ये स्टॉक जो है अपसाइड ही जाता जा रहा है। एंड ये स्टॉक की जो लेवल्स है ना, यहाँ तक के इसके आने के चांसेस हैं, बिकॉज पहली बार भी देखे तो यहाँ पे स्टॉक आया है, यहाँ से नीचे भी गिरा है। सो ये इसमें चांस ज्यादा कि ये यहाँ तक वापस आ सकता है, 2600 तक इसके आने के चांसेस है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम एक छोटा मोटा कैलकुलेशन भी करें, सो टाइटन कंपनी में जिसने भी आज ऑप्शंस में मीन्स कॉल में से बाय किया रहेगा, सो आपको पता है कि 375 का जो है क्या लॉट साइज है, मल्टीप्लाई 50 रुपये भी करें, अब वो प्रीमियम प्राइस कितना होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम प्राइस कितना है। बट अगर इसमें 40 से 50 रुपये भी अगर ये एक शेयर के पीछे तो रिटर्न देता है, अगर आप लॉट में बाय करते हो, सो डेफिनेटली आपको कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको 8750 तक आपको प्रॉफिट हो सकता है। चलो 18,000 का प्रॉफिट नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 11 से 12,000 का रिटर्न आपको मिला रहेगा जिसने भी इसमें कॉल में बाय किया अगर टाइटन कंपनी में। सो अभी नेक्स्ट मैं आपको ये शेयर के लिए कल के दिन के लिए बाइंग की पोजिशन आपको बता देती हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सो कल पूरा चार्ट आपको पूरा विजिबल होगा। सो यहाँ पे अगर आप टाइटन कंपनी का देखें, सो यहाँ पे जो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं ये वीकली वाइज पे कैंडल फॉर्म हुए। पहले जो आपको मैंने देखा था तो वो डे वाइज पे था, मीन्स इसमें जो है डे वाइज पे भी इसमें ब्रेकआउट दिया हुआ है, प्लस इसमें वीकली वाइज पे इसमें ब्रेकआउट दिया हुआ है। वीकली वाइज ब्रेकआउट दिया हुआ इट मीन्स का जो शेयर है ये 2 से 3 दिन तक ये बुलिश ही होने वाला है। सो इसमें आप कॉल जो है इसमें आप बाइंग कर सकते हो। ओके, सो आपको 2524 के आसपास आपको बाइंग पोजिशन बनानी है। देन आपको रजिस्टर लेवल लेना है 2640 का, देन 680 का अपने यहाँ पे रजिस्टर मीन्स आपको इतना टारगेट आप ले सकते हो। एंड सपोर्ट आपको कितने का लेना है, 2475 का आपको सपोर्ट लेवल लेना है। वहां से अगर रेड कलर फॉर्म होता है, ब्रेकडाउन होता है, देन ये जो शेयर है 2300 तक इसके जाने के चांसेस हैं। बट ये जो स्टॉक जिस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, सो इट मीन्स बोलने का मतलब यही है 2 से 3 दिन तक ये बुलिश ही होने वाला है। सो अगर आप एक्सपायरी तक रुकते हैं थर्सडे की ये वीक के एक्सपायरी तक रुकते हैं, सो डेफिनेटली एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। ओके, सो ये तीनों चीज डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, जब तक चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।